वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं पीकी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और आज हम डिस्कस करेंगे इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में एंड इसके यूजेस के बारे में, और इसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया हम जानते हैं, यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि द इंसाइक्लोपीडिया कंसोलिडेट द स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन रेफरेंस वर्क दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज। इट इज़ अ सेल्फ कंटेंट एंड एक्सप्लेन सब्जेक्ट्स इन ग्रेटर डिटेल देन अ डिक्शनरी। इट मीन्स कि इसमें मतलब जो इंसाइक्लोपीडिया होती है, एक प्रकार का रेफरेंस वर्क होती है, और रेफरेंस वर्क में आपकी डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये जो हमारी इंसाइक्लोपीडिया होती है, ये मतलब इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कंपेयर टू डिक्शनरी। तो उसमें और साथ ही साथ ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, और हम कह सकते हैं कि सर्कल ऑफ नॉलेज होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट ऑफ नॉलेज होती है। टेस्ला कंपनी के जो फाउंडर हैं आपके एलन मस्क, उन्होंने भी कहा था इसके बारे में कि इसे माउंट एवरेस्ट ऑफ नॉलेज कहा गया है। तो मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारी सब इंफॉर्मेशन और जितने भी ह्यूमन नॉलेज के वर्ड्स होते हैं या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इसमें अवेलेबल होती हैं। और वहीं जब बात करें हम डिक्शनरी की, तो उसमें मतलब उनकी इंफॉर्मेशन बहुत सारे वर्ड्स की होती, बट एक लिमिटेड वर्ड के या फिर एक छोटे से मीन्स के बारे में ही उसे डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि इंसाइक्लोपीडिया में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया के बारे में था, और इसमें अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मेनी सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि इसमें जो इंसाइक्लोपीडिया होती है, वो एक सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। Often arranged alphabetically in article in a book or available through a computers. It means कि ये articles के रूप में भी available है, और साथ ही साथ हमारे जो computers में हम उन्हें देख भी सकते हैं, फिजिकल रूप में भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम कंप्यूटर में भी उसे देख सकते हैं ई बुक के फॉर्म में या इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में। और ये जैसे कि हमारे डिक्शनरीज में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई शब्द के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है, वो डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है। इसी प्रकार से हमारी इंसाइक्लोपीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है। आइए हम बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो द इंसाइक्लोपीडिया वर्ड्स कम फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक वर्ड इन कैलकुलस पेडिया। तो कह सकते हैं कि ये जो इंसाइक्लोपीडिया वर्ड है, ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड में हम इसे बोलते हैं इन कैलकुलस पीडिया, जिसमें कि इन कैलकुलस का मतलब होता है जर्नल, और पेडिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि जर्नल नॉलेज। और द ओल्डेस्ट इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, ये सबसे पुरानी इंसाइक्लोपीडिया कही जाती है, और जिसे 1877 में प्लिनी द एल्डर द्वारा रचित किया गया था, यानी कि उसकी रचना की गई थी। एंड द फर्स्ट मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया की अगर हम बात करें, तो द फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिया जो कि 1751 से लेकर 65 के बीच में उसका पब्लिकेशन हुआ था, उसे हम कह सकते हैं कि ये मतलब सबसे पहली मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया थी, और इसका नाम था फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिया। और अगर हम बात करें द ओल्डेस्ट जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन इंग्लिश, तो द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जो है, वो ओल्डेस्ट आपकी इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया है। और ये नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया जो कि सबसे पहले एल्डर द प्लिनी द्वारा रचित की गई थी, और ये बेसिकली मतलब जितने भी हमारे नेचर होते हैं ना, नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो नेचर के बारे में यहाँ पर इस जो हमारे प्लिनी द एल्डर सर थे, उन्हें इस इंसाइक्लोपीडिया में एक्सप्लेन किया था डिटेल में। और अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया की। तो ये जनरली हम जर्नल एंड सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, और साथ ही साथ ये अकॉर्डिंग टू साइज एंड वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कितने सारे हमारे वॉल्यूम्स हैं, तो उसके ऊपर भी बेस्ड होते हैं। तो ये जनरली तीन टाइप्स में हमने डिवाइड किया है इसमें। और अगर हम बात करें जनरल इंसाइक्लोपीडिया की, तो इसमें मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट स्ट्रीम्स की इंफॉर्मेशन एक साथ दी होती है। जैसे कि यहाँ बताया भी गया है स्लाइड्स में कि इट कवर्स ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज। दीज इंसाइक्लोपीडियाज इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिविंग
की इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स अबाउट ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. इट मीन्स कि अगर बात करें डिफरेंट स्ट्रीम्स या डिफरेंट सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर इंसाइक्लोपीडिया के माध्यम से यूजर्स को शेयर करने की या उनको प्रोवाइड कराने की, तो ये काफ़ी बल्की हो जाएगी. इसीलिए इन्हें इसे डिफरेंट वॉल्यूम में पब्लिश किया जाता है, क्योंकि आप डिफरेंट स्ट्रीम्स की अगर इंसाइक्लोपीडिया लेंगे तो उसमें बहुत वाइड इंफॉर्मेशन दी होती है. और मोस्ट ऑफ द जर्नल इंसाइक्लोपीडियाज आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स एंड सम आर अरेंज्ड इन अ क्लासिफाइड ऑर्डर. यानी कि यहाँ मैंने पिछली अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी आपसे कि जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है वही सेम हमारे इंसाइक्लोपीडिया का भी ऑर्डर होता है बुक्स, मतलब उसको अरेंज करने का, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. और कहीं कहीं इसका जो ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का, वो आप क्लासिफाइड ऑर्डर यानी कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी अरेंज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं. और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कि जनरल इंसाइक्लोपीडिया के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका जो कि 30 वॉल्यूम में पब्लिश हो चुकी है, और साथ ही साथ चिल्ड्रन रीजनल नेशनल इंसाइक्लोपीडिया. तो ये हमारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया है, और जिसे हम जनरल इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत उसे लेते हैं. टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया में हम डिस्कस करते हैं स्लाइड के बारे में, और इसमें कुछ इंसाइक्लोपीडिया के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि बात करें हम कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका कब पब्लिश हुआ था, तो 1768 से लेकर 71 के बीच में इसका पहला एडिशन आया था, और इसका पहला एडिशन 3 कॉपीज में अवेलेबल था. और अगर बात करें इसका जो 14th एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1929 में, एंड इसका जो रिवाइज एडिशन था वो 1973 में आया था. और साथ ही साथ इसका जो 15th एडिशन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका पब्लिश हुआ था 1974 में, और इसे ही हम लोग न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका के नाम से भी जानते हैं, जो कि 30 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, और जिसके कि 3 पार्ट्स थे. जैसे कि पहला पार्ट था आपका प्रोपेडिया 1 वॉल्यूम में, एंड आपका जो सेकेंड पार्ट था माइक्रोपेडिया जो कि 10 वॉल्यूम में था, और इसका जो थर्ड पार्ट था मैक्रोपीडिया जो कि 19th वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था. और यहाँ पर जो आप यहाँ पर इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो उसके 30 वॉल्यूम्स यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे. और अगर हम बात करेंगे प्रोपेडिया क्या होता है, तो प्रोपेडिया बेसिकली जो एक मैं कह सकती हूँ कि आउटलाइन होता है किसी भी शब्द का या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में. अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें एक आउटलाइन की क्या होती है बेसिकली, उसे हम प्रोपेडिया के नाम से जानते हैं. और जो माइक्रोपेडिया होती है उसमें एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन, एक पैराग्राफ या 2 लाइन या 4, एक स्मॉल पैराग्राफ के माध्यम से माइक्रोपेडिया में इंफॉर्मेशन दी होती है. और अगर हम बात करें मैक्रोपीडिया की, तो मैक्रोपीडिया में जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की जो भी आप सर्च करते हैं वो एक आर्टिकल या एक मतलब लॉन्ग पैराग्राफ के माध्यम से दी होती है. तो ये बेसिकली इसके टाइप्स के बारे में थे, जो कि 3 पार्ट्स के बारे में मैंने बताया, प्रोपेडिया माइक्रोपीडिया एंड मैक्रोपीडिया के बारे में. और साथ ही साथ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका 1985 में पब्लिश हुई थी, जिसके कि जिसमें कि 2 वॉल्यूम्स थे, 2 वॉल्यूम में इनकी इंडेक्स पब्लिश हुई थी, और बाकी जो आपके 3 पार्ट्स आपके न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में थे सेम वैसे ही थे. और जो आपका 4th वॉल्यूम था उसमें आपके इंडेक्स यानी कि जितनी भी हमारे मतलब 32 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे उनकी डिटेल यानी कि डिटेल इंडेक्स प्रोवाइड थी, जिससे कि आप जो आपके 32 वॉल्यूम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिलेगी वो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसकी इंडेक्स के माध्यम से. और ये जो आपकी द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका 1895 में जो पब्लिश हुई थी उसके 32 वॉल्यूम्स थे और 4 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी. ये अक्सर पूछा जाता है कि इसके 4 पार्ट्स कौन थे और कौन से नए पार्ट्स ऐड किए थे और पहला एडिशन कब आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इसके मतलब आपको पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था और कितने पार्ट्स में है और किस पार्ट्स का क्या मीन्स है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप कृपया इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि सम अदर एग्जांपल ऑफ जनरल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जनरल इंसाइक्लोपीडिया होती क्या है, जिसमें इनकी वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. और इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना न्यूयॉर्क द्वारा पब्लिश हुई है और ब्रोलियर पब्लिकेशन 2005 में आई थी 30 वॉल्यूम्स में. और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1903 टू 1904 में,
16 वॉल्यूम सेट, यानी कि 16 वॉल्यूम सेट के रूप में। एंड साथ ही साथ इसका जो सेकेंड एडिशन आया था वो 1912 में आया था, और एंड इसका जो टाइटल था वो ओनली अमेरिकाना के नाम से ही आया था। साथ ही साथ हैंडी सर्च फीचर्स मेक द एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इजी टू यूज़, यहाँ पे बताया कि मतलब इस की फीचर्स के बारे में बेसिकली बताया कि जो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना था उसमें हम हैंडी सर्च फीचर्स थे, यानी कि हम आसानी से उसे मतलब हाथ में कैरी करके उसे आसानी से सर्च कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे वॉल्यूम्स में अवेलेबल थी और जो वॉल्यूम्स थे आपके वो इजी टू कैरी थे, यानी कि हम इजिली उसे पढ़ सकते थे। फैक्ट बॉक्सेस हाईलाइट स्टैटिस्टिक एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ उसमें जो फैक्ट्स थे वो पर्टिकुलर बॉक्सेस में बंद थे और साथ ही साथ हाईलाइटेड थे, जिससे कि हम आसानी से उनको देख सकते थे और साथ ही साथ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी मतलब कहीं नोट कर सकते थे और उसको आसानी से इजी वे में, क्योंकि हाईलाइटेड तो हम इजी वे में उसे देख सकते थे। साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल टेबल्स प्रोवाइड अ क्विक व्यू ऑफ हिस्ट्री, इसमें क्रोनोलॉजिकल टेबल गिवन थी जिसकी मदद से हम आसानी से उसे और मतलब ईयर के अकॉर्डिंग भी आसानी से उसे देख सकते थे या सर्च कर सकते थे। साथ ही साथ क्रॉस रेफरेंस डायरेक्ट रीडर्स टू रिलेटेड आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट, इसमें हमारे पास क्रॉस रेफरेंस डायरेक्ट रीडर्स के रिलेटेड आर्टिकल्स भी अवेलेबल थे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आर्टिकल्स अवेलेबल थे, जिससे कि हम क्रॉस रेफरेंस जो डायरेक्ट रीडर्स के आर्टिकल्स हैं वो भी सर्च करके देख सकते थे। और यहाँ पे फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँ कि फीचर्स कौन कौन से हैं इंसाइक्लोपीडिया से, और जैसे कि समरी और ब्रीफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन पिक्चर्स डायग्राम्स एंड चार्ट्स मैप एंड स्टेटिस्टिकल फॉर्म्स बायोग्राफीज, जैसे कि मैंने आपको जनरल एंड आपके सब्जेक्टिव टाइप की इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडियाज होती हैं। साथ ही साथ इसकी अगर हम बात करें फीचर्स की, तो इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अगर हम एक ही इंसाइक्लोपीडिया में या एक ही बुक में कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत वाइड या बहुत डिटेल में तो हम उसको करेंगे नहीं, तो एक समरी के फॉर्म में, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हम उसे अरेंज करते हैं, जिससे कि हमें एटलीस्ट उसके मीन्स के बारे में मालूम चल सकता है। और ये इसका जो हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन होता है वो डिक्शनरी से बड़ा होता है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं, तभी ये डिक्शनरी से बेटर मानी जाती है और इसे हम लोग वर्ल्ड ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन इन पिक्चर डायग्राम एंड चार्ट्स, इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है बड़े अट्रैक्टिव फॉर्म में दी होती है, पिक्चर्स डायग्राम्स चार्ट्स एंड आपके टेबल्स के फॉर्मेट में, और बहुत ही मतलब ताकि जो चिल्ड्रंस हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस की भी इंसाइक्लोपीडियाज आती हैं जिससे कि वो डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स या डायग्राम के माध्यम से उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर जो भी मतलब टर्म्स वो सर्च कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ मैप्स भी दिए होते हैं और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर हमें इंसाइक्लोपीडिया में देखने को मिलती है, जिससे कि हम उसकी स्टैटिस्टिक को भी समझ सकते हैं आसानी से। और बायोग्राफीज की बात करें तो जो हमारे फेमस बायोग्राफ मतलब ऑथर्स हो गए या हमारे लीडर्स हो गए या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, तो ये सारे जितने भी लीडर्स हो गए या हमारे मतलब फेमस आर्टिस्ट हो गए, तो उनकी बायोग्राफीज भी हमें इंसाइक्लोपीडिया में मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया हमारी जो बायोग्राफीज भी उसके अंतर्गत आती हैं। तो ये फीचर्स हैं जिसमें कि हम एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया मतलब कह सकते हैं कि हमने जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है उसे हमें डिफरेंट टाइप्स में क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया है, और साथ ही साथ उसके फीचर्स में भी मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि आसानी से हम उसमें जितने भी चीज़ें हैं उसे आसानी से ग्रेस्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैटिस्टिकल फॉर्म्स में या मैप्स में, या फिर आप पिक्चर्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं उसको अगर आपको उसके टेक्स्ट से समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपके फीचर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो इसके वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया जिसमें कि आपके 22 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ अदर इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बताया गया है, जैसे कि हिंदी विश्वकोश, जैसे कि आपको आर्टिकल्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं आपकी, तो यहाँ पे ऑनलाइन हिंदी विश्वकोश भी अवेलेबल है, और इट इज़ अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ये प्रोजेक्ट है, और एंड द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंट्रल
सीटेक। तो ये ऑनलाइन हिंदी विश्वकोश है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सीटेक नोएडा द्वारा क्रिएट किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं नेचर्स के बारे में कि इसके कौन कौन से नेचर्स हैं। तो इसमें आप दे आर ऑर्गेनाइज्ड विथ इंडेक्सेस, यानी कि आप इंडेक्स के मतलब जैसे कि 30 वॉल्यूम्स हमारे 32 वॉल्यूम्स में हमारी जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका पब्लिश हुई थी तो बहुत डिटेल में हमारे 32 वॉल्यूम्स थे, तो हमने उसके इंडेक्स भी पब्लिश कराई थी जिससे कि उससे इंडेक्स को देख कर भी हम उसमें कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा कंटेंट या किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है आप उसे देख सकते हैं। तो इंडेक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होने से ये फायदा होता है ताकि हम उस पर्टिकुलर पार्ट मतलब इंडेक्स के माध्यम से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ दे आर वास्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि सब्जेक्ट या फिर आपके डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जनरल इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्म माध्यम से। दे आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेस होते हैं तो इस पर आप भरोसा करके इसका अपनी जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। दे आर टेम्प्रोरी, ये टेम्प्रोरी इसलिए क्योंकि हर बार इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती है इसमें। आप अगर मान लिया कोई टॉपिक है R&D का या कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च हो रही है तो जो भी उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी इसमें टाइम टाइम अपडेट होती रहती है, तो इसलिए टेम्प्रोरी भी कहीं कहीं बोलते हैं इसे। दे आर रिटन बाय मेनी एक्सपर्ट, क्योंकि चूंकि ये इंसाइक्लोपीडिया वाइड सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इसमें वर्ल्ड की सभी नॉलेज अवेलेबल होती है या जो भी करंट जो भी सब्जेक्ट होंगे वो भी ऐड होते जाते हैं टाइम टाइम। तो इसीलिए इसमें जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स के जुड़े होते हैं जिससे कि वो